पुलिस से अपनी गुहार लगाई है कि इन लोगों की गिरफ्तारियां, इनमें जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए। पुलिस का रवैया बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं है और उनका कहना हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, जो हम कर रहे हैं अपने स्तर से करेंगे। लड़की को जिंदा जला दिया जाता है, आज उसकी मौत हो गई है, क्या लगता है आपको कानून प्रक्रिया के बारे में? बात करें कानून प्रक्रिया, जो बीजेपी की सरकार है उनके तरीके से हमारी जो महिला है, दलित महिला है, वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे तैसे करके हम अपनी समाज की महिलाओं को आगे निकाल के ला रहे हैं, पढ़ाने के लिए महिलाएं बाहर जा रही हैं, असुरक्षित होने की वजह से महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। ऐसा ही होता रहा तो हमारी बहन बेटियां आगे बढ़कर कार्य नहीं कर सकेंगी। मेरा नाम नाहर सिंह है। किस तरह का प्रदर्शन आ जाएगा? और संयुक्त संघर्ष मोर्चा का मैं संयोजक हूँ, भीम आर्मी का कार्यकर्ता भी हूँ। आज यहाँ पर लालू गांव में जो एक बच्ची 18 तारीख को स्कूल से निकली थी, उसको कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने जिंदा जला के मार दिया। उसमें पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारियां नहीं की हैं। उसी संदर्भ में ये सब हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, ये ज्ञापन देने। एक दलित की बेटी के साथ इतना बड़ा जो वारदात के अंजाम को दिया गया है, और क्या कहेंगे आप? क्या पुलिस इस संदर्भ में? मेरा तो सिर्फ कहना यह है कि जो भाजपा की सरकार है, जो मनुवादी सरकार है, और इनका जितना प्रशासनिक अमली जामा है, ये एक संघ के रूप में विश्व हिंदू परिषद और इनके जो उसके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं ये लोग, कोई प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक स्तर पर काम नहीं कर रहे जैसा इनको काम करना चाहिए। अब आगे भीमा में क्या कहेगी? अगर इन लोगों ने ये गिरफ्तारियां नहीं की तो कल हम उस मृतक बच्ची को, आज उसकी सवेरे मृत भी हो चुकी है, कल तो हम उसके कैंडल मार्च का कार्यक्रम हमारा रहेगा उसको सांत्वना देने के लिए, और परसों तक अगर कल शाम तक इनने गिरफ्तारियां नहीं की तो परसों हमारा बहुजन समाज आगरा की सड़कों पर उतरेगा, शासन और अधिकारियों को और भाजपा के दलालों को और एजेंटों को ये बता देंगे कि बहुजन समाज भी कितनी काम। पुलिस कप्तान की बात की जाए, क्या लगता है कि कसौटी पर खड़े उतर रहे हैं? पुलिस कप्तान का अपने मुंह में बिट्टू तो बनते रहते हैं ये लोग, पर रचनात्मक काम कोई जमीन पर हमें तो दिखाई देता नहीं। चंचल उस्मानी, शहर अध्यक्ष, भीम आर्मी। चंचल जी, आज ज्ञापन देने आए हैं जी, बच्ची को तरह से जला के मार जी, क्या कहना है? उसमें यही कहना है कि जिस तरीके से बेखौफ होकर यह घटना को अंजाम दिया गया है, उससे ऐसा लगता है कि आगरा क्या उत्तर प्रदेश में भी कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं है, और भाजपा के राज में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, और ये जो बहुजन की जो बेटी को जो जलाया गया है, भाजपा के लोग और शासन प्रशासन सुन ले कि अब दलितों को उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कठोर कार्रवाई की जाए, ये भीम आर्मी अपनी मांग करती है।